हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो लेकर आया हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो, जो कि आज रहने वाली है। जो मैंने पिछले बंडल्स दिए थे राम मंदिर के, 25 प्लस मॉडल्स थे, जिसमें 3D टेम्पल्स थे, अलग अलग टेम्पल्स थे, केदारनाथ के अलग साइज़ थे, श्री राम मंदिर के अलग साइज़ थे, बद्रीनाथ के 2-3 साइज़ थे और खाटू श्याम के अपने 2-3 साइज़ थे। वो आपने देख ली होगी पिछली वीडियो, अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। और जो हमसे फाइल लेता है वो आगे प्लीज़ रीसेल ना करें, जिससे कि क्या होता है कि वो सामने वाला समझा नहीं पाता। अगर उसको कोई डिज़ाइन में दिक्कत आती है तो आप हमारा नंबर प्लीज़ ना दिया करें, जिससे कि क्या होता है कि आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते अपने जो डिज़ाइंस को, तो वो हमें क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो हम ईमेल और स्क्रीनशॉट लेते हैं जब उसको हम हैंडल करते हैं डिज़ाइन को, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो वो आज उन्हीं के लिए वीडियो है ये, जो कि हम CO2 लेज़र मशीन में 40 वाट, 50 वाट या 60 वाट, जिसकी भी आप बेस्ट सर्विस की, बाबा टूल्स की, ट्रेंक की या फिर लोहिया की, कोई भी आप CO2 लेज़र चला रहे हो, ठीक है, उसको आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप सॉफ्टवेयर में अपनी फाइल को कैसे किस तरीके से अपलोड करें, जिस तरीके से आप की कटिंग और इनग्रेविंग दोनों एक साथ भी कर सको। अगर आपको अलग अलग करनी है, काम तेज़ी करना है, तो वो भी हम दूसरा प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे आप कटिंग और मार्किंग फास्ट करके अपना हिसाब से कि जो है अपना 3D टेम्पल जो है अपना आसान बना सको। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने लेज़र मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो मतलब कि ओपन कर लूँगा। तो सेकेंड जो हमारा जो आज मैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो हमारा रहेगा कि 4 इंची का जो हम सेट करेंगे फाइल, और हम रहेगी हमारी जो A4 साइज़ में लेके चलेंगे, ना ही हम A3 साइज़ में लेंगे या फिर ना ही हम 400x मतलब कि कोई भी 24x24 इंचज में नहीं लेंगे। पेज जो हमारा रहेगा A4 में रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि छोटी मशीन्स भी काफ़ी क्लाइंट्स ले लेते हैं और उनको भी काटना होता है, अपना रिटेल में बेचना होता है राम मंदिर या फिर केदारनाथ, तो वो कैसे बना के सेल आउट कर सकते हैं, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बेनिफिट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं अपना ये जैसे कि ये सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा होगा कि सॉफ्टवेयर हमने चालू कर लिया है। अब सॉफ्टवेयर चालू हो गया, अब सबसे पहले हमने ये आपको यही सॉफ्टवेयर आपको भी मिला होगा, ठीक है, ये चाइनीज सॉफ्टवेयर है आपको मिला होगा, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। मतलब कि जो फाइल है हमारी 4 इंची की रहने वाली है, जो हमने ये बंडल में दी थी, जैसे कि देख सकते हो बंडल में हमने काफ़ी सारी फाइल्स दी हैं। अब प्लस में हमने उसमें नाइट लैंप भी दिए हैं, नाइट लैंप की हम वीडियो बना देंगे कि कैसे कौन कौन से नाइट लैंप दिए हैं, उसकी एक अलग सी वीडियो बना देंगे। 200+ हमने फ्री नाइट लैंप दिए हैं एक्रेलिक 3D में, तो जिसमें ताजमहल, गोल्डन टेम्पल, वो अलग वीडियो बनेगी, उसको आप देख लेना, नेक्स्ट वीडियो उसकी आ जाएगी। तो अब जैसे कि हमने ये रहने वाली है 2.7 mm की थिकनेस में, तो थिकनेस भी कैसे चेंज करते हैं वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है, जो कि पिछली वीडियो डाली थी राम मंदिर की 6 इंची की हमने 3 mm में की थी, 2.7 की 3 mm में की थी, तो वो भी देख सकते हो कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। और रही बात हमारी जो जैसे कि इसको अंडू कर देता हूँ, एक बार नाम लिखा हुआ है श्री राम मंदिर की 4 इंची बाय 2.5, ठीक है ना, बेस रहेगा आपका 4 बाय 2.5 का इंचिस का, 2.7 mm की थिकनेस रहेगी और ये हमारा डिज़ाइन रहेगा, ठीक है, अभी आपने देख लिया। अब ये रहेगी हमारी फाइल, ठीक है, फाइल को हम क्या करेंगे A4 की शीट में सेट करेंगे। सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी, A4 शीट में हम सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है इसमें हम लेके जाएंगे और इसके यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे हम इंपोर्ट करेंगे। और ये हमने 300x200 का A4 का ले रखा है शायद, इसको हम छोटा, हाँ 300x200 का डाल रखा है, A4 के तरीके से कर रखा है, ठीक है, 300x200 का पेज साइज़ है। नॉर्मल जो छोटी से छोटी भी मशीन आती है तो 300x200 का बेड साइज़ लेकर आती है, तो उसी का आज हम 300x200 पेज लेके चलेंगे, ठीक है, 290 डाल देता हूँ जिससे कि हमारा मशीन टच ना हो, और 190, ठीक है, बेड साइज़ हमने डाल दिया 290 300x200, मतलब कि 10-10 mm हमने कम कर दिया। अब रही बात हमारी जो इधर की, ठीक है, इधर हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो ये एक ही फाइल में हमारा इंग्रेविंग और कटिंग दोनों एक साथ होनी चाहिए, ठीक है,
क्या होता है कि काफ़ी बंदे शीट हमसे डिज़ाइन ले लेते हैं, किसी से डिज़ाइंस ले लेते हैं, तो हम तो सपोर्ट करते ही हैं, काफ़ी क्लाइंट्स को खुश हैं। जिसको सपोर्ट किया है वो प्लीज़ कमेंट भी करके बता सकता है अपना, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि बंदा फाइल ले लेता है लेकिन फिर वो दूसरों की वीडियोस देखने कॉल सपोर्ट करता है, कॉल सपोर्ट नहीं करते जिससे भी फाइल लेता है, लेकिन हम हमारा ऐसा नहीं है, हम पे आप कॉल कभी भी कर सकते हो, लेकिन पहले व्हाट्सअप करना पड़ेगा। अगर आपने हमसे फाइल ली है तो आपको चाहे 30 रुपये की ली है चाहे 20 रुपये की ली है, आपको सपोर्ट मिलेगा हर उस फाइल में, ठीक है। अब जैसे कि ये देख सकते हो आपने, हमारी ये फाइल है 4 इंची की है जैसे कि अभी हमने दिखाया। अब इसको हम इधर लेके इस तरीके से हम आ गए, ठीक है। अब इसको हम सपोर्ट लेके जाएंगे कि कैसे किस तरीके से आप इसको मतलब कि सेट करके अपनी लेज़र मशीन में इंपोर्ट करेंगे। तो तरीका कुछ नहीं है, तरीका आसान रहने वाला है, लेकिन आपको ये कोरल ड्रॉ थोड़ा सा चलाना आना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा कोरल ड्रॉ आपको चलाना आना चाहिए। अगर चलाना आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, कोरल ड्रॉ के हमने ट्यूटोरियल्स भी डाल रखे हैं आई बटन पे जाके, वो भी आप देख सकते हो, जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस में मिल जाएगी। अब जैसे कि देख सकते हो, सबसे पहले हम सेटअप करते हैं इसको लगाने का, ठीक है। अब देख सकते हो ये क्या है, हमारा एक फाइल है जो कि हमारी 1-3 यहाँ पे, 1-3 यहाँ पे, और ये अपना यहाँ पे राउंड हो जाएगा, ये जो चीज़ है हमारी राउंड हो जाएगी। अब आपको देखो पता लग रहा होगा कलर के माध्यम से कि आपकी कटिंग कौन सी चीज़ है और इंग्रेविंग कौन सी चीज़ है, ठीक है। अब मान के चलिए आपको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। जैसे हमारे पास एक अलग कलर की, जैसे कि ये डिज़ाइन है, ये हमारे 4-4 ये हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये चीज़ हो गई, ये हमारे अलग हो गए, ये हमारे अलग हो गए, और एक हमारा अलग हो गया, ठीक है। मान के चलिए, सॉरी मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ, ये ज़्यादा ही हो गया, कुछ कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, एक हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, उसी के कितने 2 स्क्वायर हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने ये एक कटिंग फाइल हो गई और एक इंग्रेविंग फाइल हो गई, रेड मान लीजिए आपकी इंग्रेविंग फाइल हो गई, ठीक है, और ये आपका ब्लू हो गई आपकी इंग्रेविंग सॉरी कटिंग फाइल हो गई। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, रेड के लिए मैंने रेड आउटलाइन ले दी और कलर हटा दिया, और ब्लू के लिए मैंने ब्लू आउटलाइन ले ली और कलर हटा दिया, ठीक है। अब देखो सारी अलग अलग है, ठीक है, सिंपल तरीका है, मैं एक बार अलग शीट पर लेके जाके बताता हूँ जिससे कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे माइंड में कन्फ्यूज़न। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी तो फिर आगे आप कर नहीं पाओगे, पहले ये चीज़ ध्यान से देखना, ये इसमें कर नहीं पाओगे, पहले ये चीज़ देखो समझो। ये आपके पास ये है एक रेड कलर की मार्किंग है, ये मार्किंग है और मार्किंग है, और इसके भी सब पार्ट्स हैं, मतलब कि अंदर भी कुछ छोटे बड़े, अंदर भी मार्किंग है, इसके अंदर भी मार्किंग है, उसके अंदर भी मार्किंग है, ठीक है। इसके अंदर भी सब पार्ट्स हो रखे हैं और इसके अंदर भी आपकी कटिंग हो रखी है, मान लीजिए इसके अंदर भी आपकी कटिंग के सब पार्ट्स हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपका ये जो हमारे सब इंग्रेविंग के हैं, ठीक है, इंग्रेविंग के हैं, तो आपने क्या करना है, इंग्रेविंग वाली आइटम सभी को सिलेक्ट कर लेनी है, चाहे किसी तरीके से भी करो, चाहे आप ड्रैग करके करो, ठीक है, चाहे आप सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ड्रॉप मतलब कि क्लिक करते जाओ कर्सर से, माउस से अपना होता चला जाएगा और ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। सिलेक्ट करके देखो, कंट्रोल प्लस एक्स करके देख सकते हो, सॉरी तो कंट्रोल प्लस एक्स कट की करके देख सकते हो, देखो सारा सिलेक्ट है। अब हमने इसको कंबाइन कर देंगे, ठीक है, अब हम कंबाइन कर दिया, अब सेम इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, क्योंकि ये हमारे कट का हो गया और ये हमारा इंग्रेविंग का हो गया, ठीक है। जैसे ये ऊपर हमारा इंग्रेविंग का हो गया, नीचे हमारा कट का हो गया, तो ये अलग अलग हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंग्रेविंग वाला पोर्शन हमने इसको लैंडस्केप में कर देता हूँ एक बार,
ठीक है, इनग्रेविंग वाला नहीं, ये कटिंग वाला है, हमने एक तरफ रख लिया और हमने ये मान के चलिए कुछ इनग्रेविंग वाला पोर्शन हमने इधर रख लिया। ठीक है, मान के चलिए एक मॉडल है। अब ये हमें एक तरफ काटना है, जैसे कि हमने एक तरफ काटना है, मतलब कि ये चीज इस तरीके से। अब हमने क्या कर लिया, इसको ग्रुप कर लिया, ठीक है, कंबाइन नहीं किया। कंबाइन करोगे तो क्या होगा, दोनों एक ही कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे कि कटिंग फाइल हो गई। अब हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी हमारी कटिंग थी, कौन सी हमारी इंग्रेविंग थी। देखो दोनों कलर आपके इंग्रेविंग वाले मतलब एक जैसे ही हो गए, तो हमें ग्रुप करना है। ग्रुप में क्या होगा कि हमारे कलर अलग अलग रहेंगे, लेकिन वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने कंट्रोल प्लस ई दबाना है, एक्सपोर्ट करना है। PLT में कर दिया, XYZ नाम, ठीक है, ओके कर दिया। अब हम सॉफ्टवेयर में आ गए। अब सॉफ्टवेयर में हम आते हैं, तो हम XYZ को ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखो कलर भी अलग अलग रहे हैं, ठीक है, फ्लिप करना है हमने खाली। अब जैसे कि ये चीज़ है हमारी फाइल है, अब दो एक ही फाइल बनी है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में देख सकते हो, ऑब्जेक्ट मैनेजर में देख सकते हो कि आपकी ये एक ही फाइल है। अब इसको आपको कटिंग भी बनानी है और इनग्रेविंग भी है, ठीक है, दोनों तो एक साथ करनी है आपने। तो ये आप राइट क्लिक करोगे, अनग्रुप करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपने ग्रुप किया था। अब इसको राइट क्लिक करके अब अनग्रुप करोगे तो आपकी दो फाइल बन जाएगी। अब जैसे कि कैसे, एक आपकी कटिंग फाइल हो गई तो आपने यहाँ पे कट कर दिया, और यहाँ पे आपकी इनग्रेविंग फाइल हो गई तो आपने ये इनग्रेविंग कर दिया। अब टिक कर दोगे तो आपकी दोनों हो गए। उसी तरीके से आप दोनों को कमांड दे दोगे, आपकी ये मशीन का है जो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब चलाओ अब मैं समझा देता हूँ, वहाँ पे फाइल समझा देता हूँ पूरी अच्छे से। बस मेन आपको वो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना था कि किस तरीके से हमारा कैसे चलेगा। अब देखो सेम हमें पता लग रहा है कि हमारा ये जो पिंक पार्ट है, हमारा जो पिंक लाइन है, वो हमारी पूरी मार्किंग है, मतलब इनग्रेविंग है। ठीक है, मार्किंग और इनग्रेविंग में फ़र्क रहता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पहले हमने कटिंग का पार्ट निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कटिंग के लिए हम पहले क्या करेंगे, सभी को कंबाइन करेंगे। जैसे ये हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है, इनग्रेविंग को नहीं जोड़ेंगे, सभी पहले इनग्रेविंग को नहीं जोड़ना, पहले सभी कटिंग फाइल को जोड़ना है। जैसे कि शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ड्रैग करके करूँगा तो हमारा इनग्रेविंग पार्ट भी आ जाएगा, तो ड्रैग करके इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब देखो जैसे कि हमने क्या किया, ये सिलेक्ट किया, ऊपर कंट्रोल प्लस एक्स दबाया तो हमारे को पता लग गया कि कौन कौन सा हमारा सिलेक्ट है। अब शिफ्ट दबा के मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंबाइन कर लिया। अब कंट्रोल प्लस एक्स दबाया तो हमारा देखो क्या क्या गायब हो गया, ये चीज़। अब शिफ्ट दबा के हमने ये सिलेक्ट किया और हमने ये सिलेक्ट किया और सारी विंडोज सिलेक्ट कर ली शिफ्ट दबा के, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल प्लस एक्स दबा के देखा तो हमारा ये सिलेक्ट है। अब ये चारों करना है और ये करना है। अब अंडू करा, कंट्रोल प्लस जेड दबाते गए, ये सिलेक्ट कर दिया हमने, और हमने कंट्रोल प्लस एक्स दबा के देखा, फिर एक बार हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमने चीज़ देखा कि हमने कंट्रोल प्लस एक्स करके कट करके देखा तो हमारा ये चीज़ रह गई थी, तो हमने इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स कर लिया, तो हमने फिर वापस से कंबाइन कर दिया। अब देखो जैसे कि ये चीज़ देख रहे हो, ये हमारा यहाँ का हो गया, ठीक है। अब सेम इधर का करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स करके देखेंगे हम कि हमारा क्या चीज़ फाइल हमारी नहीं है। अब पहले हमने शिफ्ट दबा के हमने सभी को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने ट्यूटोरियल्स शिफ्ट दबाना शॉर्टकट की इसकी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो कि कोरल ड्रो का हमने कैसे इस्तेमाल किया है कोरल लेज़र से, मतलब कि सॉरी लेज़र वर्क के लिए। तो उसमें थोड़े से बहुत हमने डिज़ाइंस बनाना भी सिखाए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। अब जैसे कंबाइन कर लिया, अब देखो सारा हमारा इनग्रेविंग का रह गया और ये हमारा सारा कटिंग का हो गया। अब देखो कंट्रोल प्लस एक्स या फिर राइट क्लिक करके कंट्रोल प्लस कट करना है और कंट्रोल प्लस एक्स दबाना, तो एक ही बात हो गई। अब ये सभी को हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर दिया। इनग्रेविंग है, इनग्रेविंग के लिए अलग कंबाइन हो गया, और ये पेस्ट के वो कटिंग के लिए अलग, ठीक है ना। आप देख सकते हो इनग्रेविंग के लिए अलग फाइल हो गई, ठीक है,
इस तरीके से आपको सारा करना है। अब जैसे कि ये हमारा कटिंग था, तो हमने ये कटिंग का ये अलग कर लिया। अब जैसे कि इस तरीके से हमारा ये बेस का है, बेस को भी हम ठीक इसी तरीके से करेंगे। अब जैसे कि ये चीज़ देख रहे हो, तो इसको हमने कंट्रोल प्लस एक्स करके कट कर लिया, और ये चीज़ हमने कंबाइन कर लिया और ये भी हमने कंबाइन कर लिया। ठीक है, अब ये सेम हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक अगर बेस लगाना चाहो तो बेस भी हम यहाँ से, जैसे कि एक हमने यहाँ पे छोटे में जोड़ा है, ये कटिंग फाइल है हमारी, और एक ही इसके अंदर भी जोड़ सकते हैं, ताकि हमारा क्या रहेगा, ये जो हमारा है ये हिस्सा हमारा इसी के ऊपर लगेगा। ठीक है, फिर हमारी ये शीट है जो इसके ऊपर लगेगी, ताकि ये हमारा शीट ढक जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी एक और हम ऐड कर सकते हैं ये वाला छोटा सा, जिससे कि हमारी शीट बचेगी। ठीक है, इस तरीके क्या होगा कि हमारा जो ये चीज़ है कवर अप हो जाएगा और शीट भी हमारी बचेगी इस तरीके से। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। हमारा ये चीज़ कर दिया, इसको हम पहले भारी रख देते हैं, फिर बाद में हम फिटिंग करेंगे अंदर शीट पे, सेटअप बाद में करेंगे, पहले सारा हम कर लेते हैं। अब देखो जैसे कि ये चीज़ हमारा है, इसको एक ही फाइल ले लेते हैं क्योंकि सारी सेम ही है, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट कर लिया, और ये हमारे 5 होंगे शायद, एक हमने डिलीट मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स दबा के देखेंगे, तो कटिंग पार्ट हमारा ये भी है, तो इसको शिफ्ट दबा के हमने ड्रैग करके सिलेक्ट किया, कंबाइन किया, कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, तो ये हमारा सारा इंग्रेविंग का रह गया। इंग्रेविंग के लिए अलग कंबाइन कर दिया, और इसको हमने इस तरीके से, अभी हम ग्रुप नहीं कर रहे, ग्रुप हम लास्ट में करेंगे जब हमारी एक ही फाइल बनेगी। ठीक है, सारी इंग्रेविंग और कटिंग की सब पहले कंबाइन होएगी, क्योंकि सभी हमारा कटिंग है ना, तो कटिंग के जो भी पार्ट हैं, जैसे ये हो गया कटिंग का, ये हो गया, सारे हम पहले शीट में एडिट करेंगे, फिर कटिंग के लिए एक ही फाइल बनाएंगे, फिर उसमें हम करेंगे। अब इसी को भी हम डिलीट मार देंगे, जिससे कि हम पहले ये जो हमने 5 बनाने हैं, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। ठीक है, ये हमने 5 हो गए, सेम साइज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये हमारा कंबाइन, ये आपको वैसे कोई समझाएगा भी नहीं, ठीक है, अगर जिससे भी फाइल लेते हो तो वो आपको देगा भी नहीं, मतलब कि थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं देगा, बस आपको भगा देगा, मतलब कि भगा नहीं देगा, वो फोन नहीं उठाएगा। अब जैसे कि ये चीज़ हो गया हमारा, ये कंबाइन कर दिया, कंबाइन के लिए आपने कलर अलग कर लिया, या फिर ये हमने कंबाइन, मार्किंग है, मार्किंग के मार्किंग कंबाइन, ये इसके साथ कंबाइन, शिफ्ट दबा के ये इसके साथ कंबाइन, और ये हमने दोनों को सिलेक्ट करके इधर कर लिया। ठीक है, अब मेन हमारा ये जो चीज़ था, शिफ्ट दबा के सभी को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, ये हमने कंबाइन कर लिया इंग्रेविंग वाला, और ये कटिंग वाला भी कंबाइन कर लिया, जिससे कि हमारा ये भी। अब जैसे ये लाइन है, अब लाइन के लिए आप कैसे एडिट करोगे, जैसे लाइन नहीं है, ये आपके हुक्स हैं लगने के लिए, जैसे कि आपके पिलर टाइप हो गए। अब जैसे कि ये चीज़ें सीक्वेंस वाइज देख रहे हो यहाँ पे, तो ये आपका अलग अलग होगा, या आप ग्रुप में बना सकते हो, जैसे कि 3-3 का ग्रुप है, या फिर एक सिंगल भी कर सकते हो। मैंने ग्रुप में कर दिया, शिफ्ट दबा के कंट्रोल प्लस एक्स किया, तो ये हमने पहले इंग्रेविंग पार्ट को हमने कंबाइन कर दिया, फिर हमने पेस्ट किया, कंबाइन इसको कर दिया। ठीक है, सेम इसी को हमने क्या किया, पहले एक शिफ्ट दबा के रखना है और क्लिक करते चले जाना है, शिफ्ट दबा के इसको भी कटिंग वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है बस। इंग्रेविंग वाले पार्ट को अगर करा तो आपने, तो वो भी चीज़ हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने हल्का सा भी यहाँ पर दबा दिया, तो अनक्लिक किया, तो देखो गायब हो गया, तो शिफ्ट दबा के वापस से हम कर देंगे तो वो आ जाएगा। कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद हमने कंट्रोल प्लस एक्स दबाया, तो ये हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पे भी इसको, इंग्रेविंग वाले पार्ट को। सेम हमने क्या करना है, सभी को इस तरीके से हमने करना है,
ठीक है, मैं फटाफट आपको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा सारा हो गया, जैसे कि देख सकते हो ये हमारा बस यही रह गया, इसको भी हम कर ही लेते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स करके हमने सभी को हमने इंग्रेविंग कर लिया, और एक इंग्रेविंग के लिए हमने ये सारा कंबाइन कर लिया, ये हमने कटिंग के लिए कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि ये हमारा एक ये रह गया था, शिफ्ट दबा के रखा, इन सभी को ड्रैग किया, ये हमारा कटिंग होना है, लेकिन हमने इस तरीके से हमने सारा कर लिया। ठीक है, अब करते हैं आगे की कार्रवाई। जैसे कि अब देखो ये हमने सारा कर लिया, अब मेन आता है हमारा सेटअप की शीट में हम कैसे, A4 साइज शीट है हमारी, तो इसको हम कैसे में कितने में मतलब कि कम से कम शीट इस्तेमाल हो हमारे, उस तरीके से हम शीट अपनी बचा सके। तो आपको क्या करना है, पहले छोटे पार्ट्स जो हैं वो अलग कर लेने हैं, सारे छोटे पार्ट्स जितने भी आपके रहेंगे वो अलग कर लेने हैं। जैसे कि ये हमारा इंग्रेविंग का सॉरी अलग हो गया, क्योंकि हमने इंग्रेविंग और कंबाइन हमारा दोनों एक साथ है, तो हम दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। अभी को हमने शीट से बाहर निकाल दिया। अभी जैसे कि आप देख सकते हो आप जैसे भी अपने हिसाब से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ठीक है। अब जैसे कि हमने एक बेस टिप ने यहाँ रखा, ठीक है, दूसरा हमने अपना यहाँ रख दिया, नीचे रख दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। एक हम यहाँ पे इसके अंदर ही हम लगा देते हैं, जैसे कि मैंने बोला था ये, इस तरीके से हमने ये ऐड कर दिया। फटाफट से करेंगे, ये इधर लगा दिया, ठीक है, फटाफट से कर रहा हूँ। अब ये हमारा इस तरीके से हमने लगा दिया, अब ये जो हमारा कहीं भी लगा सकते हो अभी फिलहाल के लिए। ये हमारा इधर लग गया, आपको पता ही होगा कि A4 शीट हमारी कितने की आती है, तो उसके हिसाब से अपना एडजस्ट करके बना सकते हो अपना टेम्पल। जैसे कि ये इस तरीके से हमने अभी छोटे मोटे आइटम्स हम बाद में ऐड कर देंगे ताकि वो आ जाए। अब ये जो हमारे ये हमने यहाँ रख दी, एक हमने जो बेस का है हमने ये यहाँ रख दिया हमने, और ये एक हमने इस तरीके से थोड़ा सा इधर कर, ठीक है। अब ये जो हमारा रह गया, ये हमने तीन तीन सा सेट बनाया था, ये हमारा लास्ट जो बड़ा था हमारा, इसको हम नीचे कर देते हैं। अभी हमने कंजस्टेड नहीं बनाया, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो, जब भी हमने जल्दी से निकालने की कोशिश करी है, ठीक है। एक के ऊपर एक मत चढ़ा देना, जिससे कि आपकी कटिंग और मार्किंग जो भी है आपकी ख़राब ना हो जाए शीट।
अब जैसे कि ये जो चीज़ हमने कहीं भी फिट कर दिए, ये घुम्मस का हो गया आपका, ये हम उठा के हम कहीं और लगा देंगे, लेकिन ये जो चीज़ है हमको यहाँ फिलहाल ये हमारी यहाँ लग गई, तो हमने यहाँ फेंक दिया और हमारा ये जो है हमारा यहाँ फेंक दिया। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ फिट करेंगे, यहाँ कैसे इसको नीचे कर देंगे थोड़ा सा हम, अब तो आराम से आ जाएगा। अब हमने देखो ये कर दिया फिट, कटिंग फाइल हमारी और जो हमारी इंग्रेविंग फाइल है वो दोनों हमारी अलग अलग हमने सेट कर ली, मतलब कि अभी सेट नहीं करी लेकिन हमने कंबाइन करके दो अलग अलग फाइल बना ली। अब जैसे कि हमारे इसमें देखो कि कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो हमारी कटिंग जा रही है, अब इसमें भी हम कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, पहले सारी हम इंग्रेविंग वाली उठा रहे हैं, शिफ्ट दबा के कंट्रोल प्लस एक्स करोगे, शिफ्ट दबा के पिंक वाली पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के सभी पे, मतलब कि इस तरीके से, इस तरीके से कंट्रोल प्लस एक्स करके देख लो, देखो सारा इंग्रेविंग वाला जा रहा है। तो इस तरीके से आपको मतलब कि सारे पिंक वाले आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमारा ये रह गया और हमारा ये देख सकते हो आप, हमारा ये बेस भी हमारा गायब हो रहा है, लेकिन हमें पहले कंफर्म कर लेना है, ठीक है। यहीं पे कंफर्म करके चलोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अगर वहाँ जाके आप दिक्कत करेगी, वहाँ पे आपकी चीज़ें क्या दिक्कत करेगी, जिससे कि आपका कंबाइन और कट जो है वो अलग अलग हो जाएगा, फिर आपका शीट बेस्ट चली जाएगी। तो पहले आप यहीं पे देखो कि हमारा क्या हो गया कंबाइन, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे, ये चीज़ हमने इसको कंबाइन कर लिया। और पहले मैं ये बता दूं कि ये खाली उन लोगों के लिए वीडियो है जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर चलाते हैं, जैसे हमारे जैसे जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं आरडी कोरल लेज़र में, ये ऐसा प्रोसेस नहीं रहेगा। आरडी के लिए अलग प्रोसेस रहता है, कोरल ड्रो के लिए अलग प्रोसेस रहता है, उसमें सीधा डायरेक्ट फाइल अपलोड होती है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ही सॉफ्टवेयर बना है, ये जो आपका हमारा ये जो फाइलें हैं उन लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बने हैं जो बड़ी बड़ी मशीन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स हैं, बाबा टूल्स का और ट्रिंग का हो गया, बेस्ट सर्विस का हो गया, जो भी ये मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी ये फाइल्स जो हमारी है वो काम में आए, इसलिए हमने ये वीडियो उनके लिए ही बनाई है। अब देखो जैसे कि हमने एक्सपोर्ट किया, कंट्रोल प्लस की दबा के एक्सपोर्ट किया हमने, ये श्री राम मंदिर 4 inches, ठीक है, ये PLT फाइल, ओके कर दें, ओके कर दिया, ठीक है, बिल्कुल टिचम टीच हो गया। अब यहाँ पे हमने ये करा, ठीक है, डिलीट किया, यहाँ पे हमने क्या किया, श्री राम मंदिर को हमने ओपन कर लिया, वहाँ पे हमारा देखो ये आ गया। अब वहाँ पे हमारा सीधा था, हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारा इंग्रेविंग का दिखा रहा है, आप देख सकते हो खाली एक ही फाइल दिखा रहा है ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, लेकिन आपको खाली अपने क्या करना है, अनग्रुप करना है, तो आपकी कितनी फाइल हो जाएगी, 2 फाइल हो जाएंगी, एक कटिंग की जिसको आप कटिंग के लिए अलग कलर कर सकते हो, आउटलाइन हमने अलग निकाल ली, सॉरी जो हमारी कटिंग के लिए है हमने अलग निकाल ली, तो हमने इसको कट पे कर दिया। और हमारा जो ये है इंग्रेविंग के लिए, तो इसको हमने रेड कर दी, ठीक है, या फिर हमने कोई अलग ब्लैक कर देते हैं, मान लीजिए नॉर्मल कलर कर देते हैं, और ये हमने इसकी रेड कर दी, ठीक है। अब जिससे कि आपको अब पता रहेगा कि आपकी क्या चीज़ इंग्रेविंग होगी, क्या चीज़ कटिंग होगी, ठीक है। अब जैसे कि जूम इन करके देखते हैं, देखो सारा आपका ब्लैक जो है इंग्रेविंग है, मार्किंग है, ठीक है। अब देखो पहला प्रोसेस हमारा एक आसान रहा, इसमें आपका प्रोसेस पता लग गया कि इंग्रेविंग और कटिंग फाइल अलग हो गई। अब आपने क्या करना है, सीधा मशीन जो सॉफ्टवेयर है मशीन में आपने अपलोड किया, या आपका ये हो गया, आपने शीट लगाई, यहाँ पे इंग्रेविंग प्लस कट किया,
यहाँ पे अपनी लेज़र जो है अपने कमांड दी कि कितनी पावर इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब मेन क्या रहेगा आपका प्रोसेस, जो ये पावर सेटिंग की हमने वीडियो डाली रखी है, अगर आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है तो हमने CO2 सॉफ्टवेयर के जो ट्यूटोरियल्स हैं हमने वो भी डाल रखे हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। पावर जो सेटिंग्स हमारी जो 3 mm की या 2.5 mm की कितनी भी शीट इस्तेमाल होगी तो उसकी हमने पावर सेटिंग एक अलग से वीडियो बना रखी है जो 1 घंटे से अबव की है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो हमारे चैनल पर। ये इसमें हमारा ये पहला तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, ये दोनों को इनग्रेविंग को भी कटिंग क्यों कर रहा हूँ मैं, कट करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। अब देखो जैसे कि ये चीज़ है आपकी, हम दोनों को लेके गए, जैसे कि ये चीज़ हो गया, अब दोनों को हम लेके चले, दोनों को हमने सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया हमने, तो ये हमारा दोनों सिलेक्ट हो गया, एक ब्लैक कलर आ गया, एक हमारा रेड कलर आ गया, ऑल पे टिक है, तो हमने क्या किया कट पे कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा ब्लैक है तो ब्लैक पे ही हो, खाली ऑल से हटा देते हैं तो हमारा ब्लैक ही कट होगा, मतलब कि अगर हम जब देंगे ना फीड देंगे कटिंग की, जैसे कि हम हमारी मशीन चालू नहीं है तो हम मशीन अभी चालू करके अभी बाद में दिखा देंगे बना के भी, तो ये जो चीज़ है जो सीधा रहेगा हमारा कटिंग का वो हमारा रहेगा, पावर अपनी सेट कर लेंगे कि 30 स्पीड डाल लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारी कटिंग फास्ट करेगी और पावर हम कम डाल लेंगे जिससे मार्किंग होगी, और रेड हम जब सिलेक्ट करेंगे जब हमें पूरा फाइल काटनी हो, फिर रुक होने के बाद, फिर हमारा कंप्लीट होने के बाद मार्किंग, फिर हम उसको कटिंग की कमांड दे देंगे अपनी रियल पावर जो हम 2.7 इस्तेमाल करेंगे। बस आपको ये दो प्रोसेस रहते हैं। तो अगर आज की वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और अगर आपने ये बंडल लेना चाहते हो 25+ का, तो अभी आप वीडियो देख सकते हो,